Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, class 3. Yesterday we had done our unit number 23, that was about possessive nouns. ठीक है, possessive nouns में तो इसे हम लोग इसकी revision कर लेते हैं. Possessive nouns are the nouns that shows possession. ठीक है, अब possession क्या था, मैंने आपको बताया था. ओनरशिप को जाहिर करते हैं, जिसे हम कहते हैं ना गर्ल्स फादर, लड़की के बाबा. ठीक है, अब लड़की के बाबा हैं, बाबा किसके हैं, लड़की के हैं, तो ये रिलेशनशिप शो हो गया ना, ओनरशिप शो हो गई कि किसकी चीज़ है. तो इस तरह के नाउंस को जिसमें हम ओनरशिप को शो कर रहे होते हैं, उनको हम पोजेसिव नाउंस कहते हैं. और किसी भी नाउन को पोजेसिव नाउन बनाने का क्या तरीका हमने पढ़ा था, टू मेक एनी नाउन अ पोजेसिव नाउन वी ऐड एन अपोस्ट्रॉफी और एन अपोस्ट्रॉफी विद एस एट द एंड ऑफ दैट नाउन. अगर हमने किसी भी नाउन को पोजेसिव नाउन बनाना है तो हम उसको उसके साथ अपोस्ट्रॉफी और एस डाल देंगे. अपोस्ट्रॉफी मैंने आपको बताया था, दिस कॉमा इज कॉल्ड अपोस्ट्रॉफी. ठीक है, तो अब जिस तरह, और फिर हमने रूल पढ़ा था, अगर फॉर एग्जांपल वी हैव अ नाउन, फॉर एग्जांपल वी कैन से बॉय. अब बॉय को अगर हमने पोजेसिव एडजेक्टिव बनाना है तो वी विल एड एन अपोस्ट्रॉफी विद एस. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो हम उसको पोजेसिव नाउन बनाने के लिए उसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस ऐड करेंगे. अगर फॉर एग्जांपल ये बॉयज़ है, ठीक है, प्लूरल है, तो देखिए इसमें तो ऑलरेडी एक एस लगा हुआ है ना, तो हम इसका जो जब इसको पोजेसिव नाउन बनाएंगे तो हम सिर्फ एक अपोस्ट्रॉफी इसके साथ लगा देंगे, इसके साथ, सॉरी, बॉयज़ है तो हम सिर्फ एक अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, इसके आगे एक दोबारा से एस नहीं लगाएंगे. लेकिन अगर कोई ऐसा प्लूरल है, जिस तरह हमने पढ़ा था वुमेन, अब वुमेन प्लूरल है लेकिन इसके देखिए एंड पे एस नहीं आ रहा ना, बेशक ये प्लूरल है लेकिन इसके एंड पे एस नहीं आ रहा, लाइक इट हैज़ हैपन विद द बॉयज़. सो हम इसके एंड पे चूंकि एस नहीं आ रहा तो इसको हम पोजेसिव नाउन बनाते हुए इसके एंड पे अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे. सो दीज वर द एग्जांपल्स दैट वी पीपल हैड गॉन थ्रू टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ पुटिंग एन अपोस्ट्रॉफी और अपोस्ट्रॉफी एस, जिसमें हमने देखा था बेबीज इज अ प्लूरल नाउन और इसके एंड पे ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे इसको पोजेसिव नाउन बनाने के लिए जस्ट इसमें अपोस्ट्रॉफी ऐड किया है और इसके आगे कोई भी एस नहीं लगाया है. सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए वुमेन प्लूरल है, ठीक है, लेकिन इसके एंड पे और एस नहीं लगा हुआ तो हमने इसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस लगाया है. ठीक है, सो फॉर टुडे राइट क्लास वर्क ऑन द टॉप. ठीक है, आप डेट लिखेंगे, दैट इज 25th of January 2021. इंशाल्लाह 1st February से हमारे स्कूल भी ओपन हो जाएंगे. सो अनटिल दैट, ओके, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज 43. री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग एन अपोस्ट्रॉफी एंड एस इन द राइट प्लेस. ठीक है, आपने इन को पढ़ना है और जिस तरीके से एज यू पीपल कैन सी इन दिस एग्जांपल्स. ओके, सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज 43 एंड ओके जस्ट एक्सरसाइज 43 ऑन बुक्स. दिस इज़ गोइंग टू बी योर होमवर्क एंड क्लास वर्क एज वेल. सो मेक श्योर, ओके, लेट्स सी अ रूल ओवर हेयर. नाउ यू कैन सी दीज आर एंडीज शूज. इन दिस सेंटेंस देयर आर टू नाउन्स, एंडी एंड शूज, बोथ आर नाउन्स. लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने पोजेशन किसके साथ शो करना है. हम अगेन वही कहेंगे, पोजेशन हमने सब्जेक्ट के साथ शो करना है. ठीक है, अब हमें अंडरस्टैंडिंग है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड अ सब्जेक्ट. सो एंडीज जो है इट विल बी एंडीज. ठीक है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर नाउन नहीं है बल्कि ये सब्जेक्ट है. सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर बुक.